चलिए शुरू करते हैं। टिपेंद्र जी, ये हमारी दूसरी क्लास है एक्सेल की। पहली क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम एक्सेल का यूज अपने ऑफिशियल लाइफ में करते हैं, सीखने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, सर एक्सेल क्या है, इन सबों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब चलिए हम बात करते हैं एक्सेल की अवेयरनेस के बारे में। सर तो अवेयरनेस में जैसे कि मैं जैसे जानता हूं कि आप बहुत ही बिगनर हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम एक्सेल यूजर है, तो एक्सेल को ओपन तो आता ही होगा। अब इसमें कुछ टाइप करने के लिए कुछ शॉर्टकट मेथड है, कुछ डेटा सेलेक्ट करने के शॉर्टकट मेथड है, चलिए उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। कुछ कैलकुलेशन की सर मेथड है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप जब भी नया वर्कबुक ओपन करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट एक या तीन सीट मिलेगा, एक भी मिल सकता है और तीन भी मिल सकता है, सीट वन, सीट सर टू, सीट थ्री, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, और आप सर बोलेंगे सर एक क्यों मिलेगा और तीन क्यों मिलेगा, कोई फिक्स क्यों नहीं है? इसलिए वो अपनी अपनी सर एक्सेल की सेटिंग्स होती है, तो सेटिंग के अकॉर्डिंग किसी में तीन की सेटिंग होती है, किसी में एक की सेटिंग होती है। उस सेटिंग को हम ठीक चेंज कर सकते हैं, वो आगे क्लास में बताऊंगा सेटिंग चेंज कैसे होता है। तो आपको जो डेटा, जो फाइल है, आपको जब भी आप फाइल ओपन करें सबसे पहले फाइल को तो सेव करें। सेव करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल एस का इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी लोकेशन चूज, यहाँ पे आपको जो है डिफॉल्ट लोकेशन होगा, यहाँ पे रिसेंट वगैरह होगा, यहाँ पे ब्राउज होगा, तो ब्राउज पे जाके आप अपना लोकेशन चूज कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट आएगा, मैं डॉक्यूमेंट्स आएंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट में फाइल रखते हैं तो ठीक है, अगर कोई ड्राइव वगैरह में रखते हैं तो उस ड्राइव वगैरह बगल में जाएंगे, उस सिलेक्ट करेंगे, उस फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे अपने फाइल का नेम डिसाइड करेगा। फाइल के नेम डालते समय इस तरह की स्लैश वगैरह जो है फाइल अपना नेम में एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ऐसा नेम नहीं डालेंगे वरना एरर आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बुक वन, बुक टू, थ्री होता है, उसको चेंज कर सकते हैं। और नीचे आपका जो एक्सटेंशन होगा वो एक्सेल वर्कबुक होगा। तो इसमें अभी तीन चार एक्सटेंशन के बारे में जानिए। डिफॉल्ट आपका एक्सेल वर्कबुक होता है, क्यों? क्योंकि ये फाइल को डॉट XLSX फॉर्मेट में सेव करता है, क्योंकि 2010 ऑनवर्ड की फाइल है जिसमें 10 लाख के आसपास रोज होते हैं एक सीट के अंदर। इसी में दूसरा आता है माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर आपके फाइल में कोई प्रोग्रामिंग की गई है, कोई माइक्रो बनाया हुआ है, कोई बटन शटन बनाया हुआ है, तो फाइल को अगर आप सेव एज कर रहे हो तो आप एक्सेल वर्कबुक में सेव ना करें। मान लो किसी दोस्त ने, किसी कलीग ने, किसी बॉस ने आपको एक फाइल भेजा, उस फाइल में माइक्रो लगा हुआ है, माइक्रो से बना हुआ फॉर्मूला लगा हुआ है, बटन सेटन लगा हुआ है, तो वो फाइल क्या होगा? वो फाइल होगा माइक्रो अनेबल वर्कबुक। वो फाइल जब मेल होगा आपको तो वो फाइल जो है कुछ इस तरह का दिखेगा, दिख रहा है ना सर? इस फाइल सर में तरह का एक्सप्लेनेशन मार्क का निशान होगा, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर माइक्रो कैरी किया गया है, या फिर माइक्रो कैरी करने वाला फाइल है। मतलब ये एक्सप्लेनेशन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर माइक्रो है, इसके अंदर माइक्रो रखा जा सकता है या रखा हुआ है। अच्छा तो ऐसी फाइल आया और उसको आपने सेव एज किया, तो उसको ध्यान रखिएगा कि एक्सेल वर्कबुक में सेव मत कीजिएगा, वरना वो सारे फीचर्स आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात है सर कि अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल है, अभी तो आप काम नहीं करते एक्सेल पे तो उतना नहीं, लेकिन जब आप एक्सेल पे काम करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास माने कि 10-5 लाख, 7 लाख रो ऑफ का डेटा हो, तो इस कारण से एक्सेल काफी आपका हैंग होगा, बंद हो जाएगा, स्लो वर्क करेगा, तो उस फाइल को आप एक्सेल वायरली वर्कबुक में सेव कर। ठीक है, दूसरा आपका, तीसरा, चौथा जो आपका आता है वो 97 से 2000 वर्कबुक, मतलब डॉट XLX का फॉर्मेट, XLS पुराना फॉर्मेट जिसके अंदर 65,000 ही रो होता है। तो अगर आपने गलती से इस फॉर्मेट में सेव कर दिया, इसका मतलब क्या समझे? कि आपका 65,000 से ऊपर का डेटा स्टोर ही नहीं होगा। इसलिए गलती से अपना अगर बड़ा डेटा हो तो इस फॉर्मेट में सेव ना करें। दूसरा, यहाँ पे आपका पीडीएफ है, आप पीडीएफ में फाइल को सेव कर सकते हो। दीपेंद्र जी, सबसे पहले आपने फाइल को सेव कर लिया, उसके बाद अगर आपका सीट का नाम देना जरूरी है
तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है राइट। अब यहाँ पे आपको डेटा एंट्री करनी है, जैसे मान लीजिए कि मुझे दो चीजें होती है, एक आपको एक डेटा एंट्री करनी है, एक आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है या कुछ ऐसा तैयार करना है। तो अगर आपको डेटा एंट्री करनी है, जैसे मान लीजिए कि आपको अपना पर्सनल डेटा एंट्री करना है, पर्सनल डेटा क्या, जो मोबाइल फोन में है आपके, तो मोबाइल फोन में आपके नंबर्स होते हैं ना, मान लीजिए कि आप मोबाइल नंबर्स का डेटाबेस बना रहे हैं, कॉन्टेक्ट डेटाबेस, तो सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए कॉन्टैक्ट, इसका नाम उससे आप रिकॉर्डिंग अगर आप देते हैं तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे दिया, फिर मैं यहाँ पे अब देखिए कि कॉन्टैक्ट में जनरली लोग क्या से स्टार्ट करते हैं, नेम से स्टार्ट कर देते हैं या फिर वो सीरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जनरली आदत होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आपका पहला कॉलन होना चाहिए एक यूनिक आईडी। अगर आपके पास कोई यूनिक आईडी नहीं है तो आप सीरियल नंबर दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप लुकअप वी लुकअप जैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वहां पे दिक्कत होगा, जब डेटा लुकअप वगैरह करेंगे तो खोजेंगे डेटा को तो दिक्कत होगा, इसलिए हैबिट रखें कि आपकी जो यूनिक आईडी है, जैसे कि एम्प्लॉय कोड, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ऐसे और भी बहुत सारे यूनिक नंबर्स हैं, उस नंबर्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे स्टार्टिंग में डाल, जैसे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर हमारा यूनिक हैगा, इसलिए हमने मोबाइल नंबर दिया, मोबाइल नंबर, नेम, पर्सन का ईमेल आईडी होता है, टाइप कि घर का मोबाइल है ऑफिस का मोबाइल है, और रिलेशंस थी कॉन्टेक्ट टाइप, कॉन्टेक्ट टाइप, तो आपने ऐसे एंट्री करेंगे। अब जैसे मैंने एक एंट्री किया तो टैब प्रेस किया या एंटर प्रेस किया, कर्सर को मूव करने के लिए आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे कर्सर आपका मूव होता है ऊपर नीचे। अब जैसे मोबाइल नंबर लिख रहा हूं कि 8802579388 लिख दिया, अब यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूं जीत, ईमेल आईडी kumar@iptindia.com। अब जैसे ईमेल आईडी आप टाइप करेंगे तो यहां देख रहे हैं क्या दिक्कत हो गई सर, तो ईमेल आईडी या वेबसाइट एड्रेस कोई अगर एक्सेल पे टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो ब्लू कलर का हो जाएगा, उसके ऊपर हाइपरलिंक लग जाएगा, तो ये दिक्कत वाली बात है सर, क्योंकि डेटाबेस बना रहे हैं और इस तरह का होगा तो आपको सिलेक्ट करना होगा तो क्लिक हो जाएगा, तो एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अगर आप डेटाबेस में इस तरह की एंट्री पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप खैर तो यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दे तो हट जाएगा, या फिर कंट्रोल जेड आपने नहीं किया है तो यहाँ आपके पास दूसरा होता है यहाँ क्लियर में, क्लियर हाइपरलिंक या रिमूव हाइपरलिंक ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हाइपरलिंक लगे ही ना तो क्या करेंगे, फाइल मेनू बार में जाएंगे, अपने फाइल मेनू बार में जाएंगे और इसके सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन पे आएंगे और प्रूफिंग ऊपर से तीसरा ऐप होगा प्रूफिंग, प्रूफिंग पे जाएंगे, ऑटो करेक्ट पे जाएंगे और फॉर्मेट एज यू टाइप सेकेंड टैब है उस पर क्लिक करेंगे, यहां पर लिखा होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक, इसको आप यहां से अनचेक कर दीजिए, ठीक है दीपेंद्र जी है ना, आदिनाथ जी देन ओके एंड ओके। अब मैं अगर कोई टाइप करूंगा तो यहां पे ऑफिस कॉन्टेक्ट ये जो भी लिखते, अब मैं दूसरा एंट्री करता हूं, मान लीजिए यहां पे देता हूं अब देखिए एंटर मारते हैं, अब इस पे हाइपरलिंक नहीं लगेगा क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज कर दिया है, ठीक है। इस तरह के टाइप
करते समय दिक्कत होगा। दूसरी चीज, अगर कभी आपको मान लीजिए कोई टाइप करना हुआ और आपने आपको 12 डिजिट का नंबर में 10 डिजिट से ज्यादा का नंबर टाइप कर रहे हो, 11 डिजिट से ज्यादा का, जैसे अकाउंट नंबर होता है 13 डिजिट का होता है, तो आप इस साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इस फॉर्मेट का हटाने की चीजें हम आगे क्लास में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको ऐसा लिखना हुआ है 11 डिजिट से ज्यादा अगर आपको नंबर टाइप करना पड़ रहा है, तो आप अपने कीबोर्ड का सिंगल कोड यहाँ पे अप्लाई कर दो, उसके बाद अपना जो भी नंबर लिखना है लिखे, वो साइंटिफिक फॉर्मेट जो ई प्लस करके आ जाता है उसमें नहीं जाएगा। तो समझा नहीं सर, दोबारा बोलिएगा। बोल रहा हूँ सर, जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई बड़ा नंबर लिखना है, जैसे कि आप 13 डिजिट का अकाउंट नंबर लिखना है, राइट ना सर? सर सर, तो एंटर मारते ही आपका नंबर इस तरह हो जाएगा, ई प्लस डबल वन से, दिख रहा है आपको सर? हाँ सर। अभी क्यों होता है, इसका क्या सोल्यूशन है, इसी चीजों पे हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको स्किप करते हैं। लेकिन आपको जब ऐसा नंबर लिखने को मिले तो डायरेक्ट मत लिखे, आप जो कीबोर्ड का सिंगल कोड एंटर के बगल में होता है ना सिंगल कोड सर, वो पहले टाइप करें और फिर आप नंबर को टाइप करें, ठीक है? या फिर आपको चेक नंबर, अगर आपको चेक नंबर टाइप करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो चेक नंबर 0 से एक्ट नहीं करता है सर, और अधिकतर चेक नंबर में आपका 00 होता है ना सर, तो उस केस में भी आप सिंगल कोड लगाएंगे और 00123454 सेलेक्ट करेंगे, राइट सर? सर सर, ये तो हो गई डेटाबेस बनाने की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप कोई फॉर्मेट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक डेली कैश ट्रैकर बना रहा हूं, तो सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग। तो हेडिंग डालने के लिए आप कई सारे सेल को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ माउस पॉइंटर से क्लिक करें तो सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट करने आता है ना सर आपको? हाँ सर, हाँ सर। फिर ऊपर आपको दिखा होगा मर्ज, होम मेनू बार में सर मर्ज, सर मर्ज कर दें। उसके बाद अब अपना टेक्स्ट लिखे यहाँ पे, डेली सेल्स रिपोर्ट ऑफ मंथ जून 2019, ठीक है, छोटा है सर, तो इसको यहाँ आप इसकी फॉर्मेटिंग बढ़ाकर, यहाँ से आप बढ़ा कर सकते हैं, हाँ सर, हाँ सर, सर यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ आपकी अलाइनमेंट है कि आप इसको लेफ्ट कर दें, मिड कर दें, राइट कर दें, हाँ सर, ये तो पता, इतना इतना तो पता है सर, यहाँ डाल दें, यहाँ पे आप टाइम डाल दें और यहाँ पे नंबर दे दें। और जब आप किसी कोई रिपोर्ट अगर आप बनाते हैं तो एक चीज का ध्यान, रिपोर्ट के अंदर में सीरियल नंबर होना जरूरी है सर, ठीक है सर, सीरियल नंबर और यहाँ पे डेट, डेट तो यहाँ सॉरी पार्टिकुलर, और डेबिट क्रेडिट बैलेंस, और ये आपका पार्टिकुलर का कॉलम बना कर और इसकी हेडिंग को कलर करें, लेकिन कलर किसी लाइट कलर से करें, इस तरह से भड़काऊ कलर जो रेड वगैरह होता है उस कलर से ना, जो कलर आंखों को ना चुभे ऐसे कलर से कलर करें हेडिंग को, ध्यान रखें कलर का यूज भी आप अपने हिसाब से यूज करेंगे, ध्यान रखिए। और उसके बाद आप जितना एरिया आपको चाहिए उतना एरिया पे आप बॉर्डर का कमांड दे दें, और जो बाकी जो एरिया पे जो ग्रिड लाइन लगा हुआ है इस ग्रिड लाइन को आप ये हटा दें। कहां से? पेज लेआउट पे जाइएगा, ग्रिड लाइन व्यू, इसको अनचेक करें सर। अब यहां पे देखिए कि अंडरस्कोर बहुत बड़ा हो गया ना सर, सर तो इसका मैं बॉर्डर यहां से रिमूव कर देता हूं, नो बॉर्डर,
हो गया, और हमारा इसको छोटा कर देता हूं और इस पे मैं अंडरस्कोर लगा देता हूं, अंडरस्कोर कंटिन्यू। डेट लिखने की चाहिए ना जगह हमें, हाँ सर ठीक है सर। इसको और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिया सर। सर अब बात करते हैं सिलेक्शन, क्योंकि हम एक्सेल पे टाइपिंग कम करते हैं लेकिन हमारा पहले से बना हुआ डेटा बहुत ज्यादा होता है, उस पर ज्यादा काम करना होता है। तो मेरे सामने आपके सामने डेटा आया होगा, और ध्यान रखिएगा डेटा जब भी आएगा बिना फॉर्मेटिंग का होगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होता है, नॉर्मल डेटा होता है सर। तो अब डेटा को सिलेक्ट करना है राइट, तो सिलेक्ट करने के लिए एक तो मैनुअल सिलेक्शन होता है कि आपने शिफ्ट दबाया और एरो की से नीचे की तरफ इस तरह से सिलेक्शन किया। तो छोटे मोटे डाटा हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि छोटा डेटा आपके सामने यहाँ ए है, डेटा है, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन बड़ा डेटा है, जैसे कि ये डेटा है आपका, इसमें करने में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसमें आप यूज करते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए इट मींस सिलेक्ट ऑल, मतलब कि करंट रीजन, यहाँ फाइल एंड सिलेक्ट में आएंगे ना, तो यहाँ पे होता है आपका करंट रीजन, इसको कंट्रोल ए कहा जाता है सर। लेकिन कंट्रोल ए काम नहीं करता है सही से, क्यों? क्योंकि अगर आपका पूरा का पूरा रो ब्लैंक है, अब यहाँ पे कंट्रोल ए वर्क नहीं करेगा। कंट्रोल ए करने पे इतना एरिया सिलेक्ट होगा, नीचे का एरिया आपका सिलेक्ट नहीं होगा, नहीं हुआ सर। तो उस केस में अगर आप माउस से सिलेक्ट करते हैं तो डेटा के स्टार्टिंग में कर्सर रखें और सबसे लास्ट में आ जाए और शिफ्ट के साथ क्लिक कर दे, शिफ्ट के साथ आपका एरिया सिलेक्ट हो गया सर। लेकिन कभी कभी क्या होगी, ब्लैंक तो नहीं होता है लेकिन यहाँ पे फालतू में कुछ डेटा लिखे होते हैं, दिख रहा है आपको सर? सर सर अब कंट्रोल ए करने पे वो भी सिलेक्ट हो जाएगा और मुझे उसको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। केस में क्या करेंगे? तो उस केस में क्या करेंगे हम, कंट्रोल इस पे स्टार्टिंग में कर रखेंगे, कंट्रोल के देखिए कंट्रोल का होता है, कंट्रोल दबा के अगर एरो की यूज कर दे तो कर्सर जंप करता है, जैसे कंट्रोल के साथ में राइट किया तो राइट में डायरेक्ट जंप हो गया सबसे लास्ट में सीरीज के साथ, ये अगर मैं डाउन किए तो सबसे लास्ट में यहाँ आ गया, फिर एक बार और डाउन करूंगा तो सबसे लास्ट में सबसे नीचे चला जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ये डेटा है तो सबसे लास्ट वाले डेटा पहुंच जाएगा, ब्लैंक है सबसे लास्ट वाले ब्लैंक में पहुंच जाएगा, तो सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो लेकिन उसी के साथ अगर शिफ्ट प्रेस कर दिए तो सिलेक्शन लेके जाता है, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अगर मैं राइट एरो यूज करता हूं सबसे लास्ट में सिलेक्ट होगा, फिर डाउन करता हूं तो सबसे डाउन में चला जाएगा। तो आपको डेटा सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, इससे भी डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। दीपेंद्र जी, आदिनाथ जी, को डाउट इसमें? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नो सर। अब इसमें आता मल्टी सेल सिलेक्शन, मतलब कि मुझे पूरा नहीं चाहिए, कुछ कुछ चाहिए। तो अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं फॉर द फॉर्मेटिंग अदर पर्पस, तो आप सिलेक्ट कंट्रोल प्रेस करें और जिस पे क्लिक करेंगे वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे पढ़ेंगे वैसे सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ। लेकिन आप चाहते हैं कॉपी करने के लिए कि मुझे उतना कॉपी चाहिए, तो आपने एक सीरीज में अगर कॉपी किया हुआ है तो इसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सीरीज में किया हुआ है। अब देखिए कम है तो कॉपी नहीं हो, क्यों? क्योंकि सीरीज फुल नहीं है, क्योंकि ऊपर आपने कॉपी किया हुआ है चार, तो सेम नीचे चार जो है नीचे भी सिलेक्ट होना चाहिए, तब आपको कॉपी होगा। जैसे कि अगर हमने
ये डिलीट किया और इसको सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे इसकी सैलरी को भी सिलेक्ट करना होगा, जो ऊपर दो तो नीचे दो, फिर एक कॉपी होगा और फिर जहां पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट होगा। अब पेस्ट करने से पहले देख लीजिए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी पेस्ट होता है, यहाँ अलग अलग है लेकिन पेस्ट एक साथ होगा। तो मल्टी सेल सिलेक्ट करते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेक्शन उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन समझ में आ गया, आप डेटा को सिलेक्ट करने लायक आप हो गए, किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो सिलेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन के बगैर ना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ना कॉपी कर पाएंगे, ना पेस्ट कर पाएंगे, ना पिवट, ना फिल्टर, ना फॉर्मेटिंग, कुछ भी चीज नहीं। आपको एक्सेल में कुछ भी चीज करने के लिए पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। मान लो आपको कलर अप्लाई करना है, तो आपको जहां अप्लाई करना है वहां सिलेक्ट करना होगा, देन कलर अप्लाई करना। तो एक पूरा डेटा आप ऑटोमेटिक कैसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए कब काम करेगा, कंट्रोल ए कब काम नहीं करेगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन अप कैसे वर्क करेगा, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। तो आदिनाथ जी एंड दीपेंद्र जी, नो सर, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कैलकुलेशन का, कि एक्सेल में हम कैलकुलेशन किस तरह से करें। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास, मान लीजिए मैं डेटा बना रहा हूं कि नेम क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, अब मुझे आपके अमाउंट निकाल, हाँ अमाउंट निकालना है, उसके बाद मुझे इस पे कमीशन निकालना है, मुझे इस पे जीएसटी निकालना है और मुझे इन सबों का टोटल करना है। तो मैंने नाम लिखा पूजा, क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की मैंने लिखी कि उन्होंने 20 लिया है, जो कि तकरीबन 35 रुपए पर पीस से है, इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैनुअली 20 मल्टीप्लाई बाय 35 लिख सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या होगा, इक्वल देंगे कि इक्वल 20 मल्टीप्लाई बाय 35, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि अगर 20 से 25 हो गया तो फिर आपको दोबारा यहाँ पे करना पड़ेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 35। तो उससे बचने के लिए हम इसका एड्रेस को क्लिक कर लेते हैं कि हमने क्लिक किया 25 मल्टीप्लाई बाय 35, मतलब B2 यहाँ दिख रहा होगा, B2 मल्टीप्लाई C2, B2 इट मींस क्या हुआ कि B कॉलन एंड ट्रू रो, B2 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय C2 की वैल्यू, राइट सर? सर अब मुझे इस पे कमीशन निकालना है 2%, तो सेम ऐसे मैं यहाँ पे D2 को सिलेक्ट करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2%, परसेंटेज का सिंबल लगा दिया तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 भी हुआ, लेकिन मैथमेटिकल रूल्स क्या कहता है, मिनिमाइजेशन रूल्स कहता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर 100 का 10% चाहिए तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे 100 डिवाइड नहीं करना होता है क्योंकि परसेंटेज का सिंबल लगते ही वो 100 डिवाइड हो जाता है, तो ये आपका कमीशन निकल गया। अब मैं यहाँ पे निकालना है जीएसटी 18%, तो अमाउंट से मल्टीप्लाई बाय 18%। अब मैंने यहाँ पे 18% मैनुअल क्या लिखा, क्योंकि हमारा फिक्स है, अगर ए भी अगर चेंज कम और ज्यादा अलग हर जगह पे अलग अलग होगा तो उसके लिए भी हम यहाँ पे जीएसटी एक कॉलम ऐड करेंगे और जीएसटी परसेंटेज लिखेंगे, तो जीएसटी परसेंटेज 18% है और फिर यहाँ पे हम मैनुअली करेंगे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18%, लेकिन फिक्स है तो ये कॉलम ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉलम ऐड करने की जरूरत नहीं है तो यहां पे आप टोटल निकालने के लिए एक तो आप एक एक करके प्लस कर सकते हैं कि प्लस जो मैथमेटिकल ऑपरेटर वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां लगाया हुआ है, अदरवाइज इक्वल टू आप सम भी कर सकते हैं कि सम और इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सम जो है ये आपका इनबिल्ड फॉर्मूला है, बाकी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप अपना मैथमेटिकल से माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, एक होता है पावर,
जानना नहीं है। कि पावर क्या है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 स्क्वायर निकालना है इक्वल 10, और हम ए देंगे, ए होता है शिफ्ट के साथ 6 होता है एंड 2, 10 स्क्वायर निकल गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। अब मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो और मैथमेटिकल ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आगे क्लासेस में इससे जो और चीजें हैं उन चीजों पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि शुरुआत में मैं ज्यादा ही पढ़ाऊंगा वरना मार्क्स निकलने लगेगा। तो आप फिलहाल प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डॉलर कंसेप्ट और फिर हम मेनू बार में कॉपी पेस्ट वगैरह सीखना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग क्या करें, डेटाबेस वगैरह बनाया, टेम्पलेट वगैरह बनाया, मतलब कि कोई ऐसा वाउचर या कुछ ऐसा चीज बनाने की कोशिश करें। अवेयरनेस के मतलब यही होता है कि आप इंटरफेस करें उससे। तो आप आपके पास अगर ईमेल आईडी का डेटाबेस है, मोबाइल का डेटाबेस है, या घर के आपके जो खर्चे हैं मंथली उनकी डेटा है, इस तरह का डेटा आप बनाइए सर, ठीक है? यस सर। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय सर, बाय बाय सर।